अच्छा हूँ, आप कैसे हैं ये बताइए। बस बढ़िया, आपका आशीर्वाद है और सदैव बना रहे, बस यही है कामना है। देखो, अपने खुद के लिए आशीर्वाद और चीजें तो कोई ज्यादा मायने रखती नहीं है। जी क्या जी हम एक अच्छा भारत देश बना सकते हैं और जी उसमें हमारी क्या सहभागिता है, जी यदि हम इस पर चर्चा नहीं करते हैं जी तो हमारी विद्वत्ता, हमारा जो भी हमने इन वर्षों जी में कमाया पाया, वो जी सब बेकार है। जी 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 आई डोंट नो आप मुझसे किस हद तक सहमत हैं असहमत हैं, वो आप। नहीं 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 100% 110% सर, प्लीज प्लीज। तो आप जो है, जो अभियान मैं चला रहा हूँ, इसमें आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं? एकदम राइट भूमिका है और बहुत अच्छी आपकी सोच है, और भगवान करे और माता रानी का कृपा आपके ऊपर सदैव बरसता रहे। एज ए ब्राह्मण के नाते मैं आशीर्वाद देने के लायक नहीं हूँ, पर क्या है, मैं आपका छोटा भाई हूँ, पर इतना तो मैं जरूर कह सकता हूँ कि मैं निराजल व्रत हूँ 9 दिन का, और अन्न और जल कुछ भी नहीं ग्रहण करता 9 दिन तक कंटिन्यू। तो हमारी यही सोच है कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यदि उसे आप मेरी मनोकामना की बजाय सबकी मनोकामना मानेंगे तो ज्यादा बड़ा कल्याण नहीं होगा, सर क्योंकि यदि आप हमारी एज ए मनोकामना ब्राह्मण मान के रहे नाते, सर एज ए ब्राह्मण के नाते और सनातन धर्म के नाते, तो मैं तो पूरे विश्व की कल्याण की कामना करता हूँ, हमेशा सदैव करता हूँ, कि जब पूरा विश्व अगर सुखमय रहेगा, शांतिमय रहेगा, तो उसमें मैं भी आऊँगा, क्योंकि मैं पूरी दुनिया से अलग तो हूँ नहीं, या आप पूरी दुनिया से अलग तो हैं नहीं, तो पूरी दुनिया में आप भी हैं और मैं भी हैं, तो हम तो एक ब्राह्मण हैं सर, और सदैव सृष्टि के कल्याण के लिए ही ब्राह्मण एक सदैव कार्य करता है। अशोक उपाध्याय जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अजय वाराणसी का रहने वाला हूँ, और काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मेन महंत हैं, जिन जो सिंजु आबे या किसी भी प्रधानमंत्री मोदी जी या योगी जी, इनकी जो पूजा करवाते हैं ना काशी विश्वनाथ मंदिर में, वो हमारे सगे भाई हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। अब आप ये बताइए कि अपराध मुक्त भारत में आप अपनी क्या भूमिका देख रहे हैं और क्या सहयोग देना चाहेंगे? सर अगर हमारी जान भी दे करके अगर आपकी संस्था को से पूरे हिंदुस्तान का लाभ अगर मिले, और सारे पूरे हिंदुस्तान के सारे वासी, हिंदुस्तान वासी अगर सुखमय जीवन प्राप्त करें, तो मैं अपने आप को ये जन्म बड़ा अतुल्य क्या अविस्मरणीय मानूंगा कि हमारा जन्म यदि सफल हुआ। यदि आपका जन्म मात्र 9 दिन में सफल हो जाए तो आप कितना अच्छा, जैसे नौ दुर्गा के 9 दिन हैं, ऐसे ही 9 दिन में आपका जन्म सफल हो जाए तो जी आप क्या कहेंगे? एकदम एकदम सर, मैं तो अपने आप को बड़ा बड़ा धन्यवाद समझूंगा। तो इसमें 3 रोल हैं। एक रोल तो है कि क्या हम डरे हुए, सहमे हुए, घबराए हुए, सताए हुए, वर्तमान व्यवस्था से उत्पीड़ित, अपमानित, कुंठित व्यक्ति हैं जिसका सोच, चिंतन, क्षमताएं और पारिवारिक परिस्थितियां उसे इजाजत नहीं देती हैं पर्दे के आगे आने की, तो वो मजबूरी में पर्दे के पीछे रहकर सदस्यी भूमिका निभाना चाहता है? बस सर यही 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 यही, यही। क्योंकि क्या है कि सर हमारे पास 3 बेटियां हैं, मेरी बस यही इच्छा है कि मैं अपनी 3 बेटियों की कन्यादान तक ले जिंदा अगर रहूं, तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यवाली समझता हूं, क्योंकि सर मैं बहुत विषम परिस्थितियों में हूं, और सहयोग की बात है। यदि यदि ये विषम परिस्थितियां विलोपित हो जाएंगी तो फिर क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं सर, तो आपका बहुत बड़ा एहसान हमारे ऊपर रहेगा, और एजे जब तक भगवान हमें जितना भी मनुष्य जन्म देंगे, हर जन्म में आपका हमारे ऊपर एक एहसान रहेगा, मैं भगवान से यही प्रार्थना करूंगा तो कि हर जन्म में हमें हमारे बड़े भाई माननीय मैत्री शरण गुप्त जी मिले। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो यदि आप समृद्ध हो जाएं, यदि भारत का हर ऐसा परिवार जिसके पास ना तो शिक्षा है ना हुनर है जी, वो आज एक बेबसी की जिंदगी जी रहा है, शायद उसे 2 जून की रोटियां भी ठीक ढंग से नसीब नहीं हो रही हैं जी, वो फ्रीवी और दारू और साड़ी से जो है ग्रसित प्राणी बन गया है,
यदि जी जी ऐसे प्राणियों को शिक्षा भी दी जाए वो भी प्रायोगिक, जी नर भी जी दिया जाए वो भी प्रायोगिक, जी आवागमन का साधन दिया जाए, वस्त्र दिए जाए, आचार जी व्यवहार भी सिखाया जाए, जी और इनमें से कोई भी चीज मुफ्त में नहीं मिलेगी, जी जी राइट? लेकिन जो आपके वो खर्च होगा वो आपके डेबिट अकाउंट पर अमाउंट होगा, और जब ऐसा परिवार जिसके पास ना हुनर है ना शिक्षा है, जब वो 2 लाख की क्रय शक्ति पालेगा, तब आसान किस्तों में जो उसके ऊपर खर्च किया जाएगा वो निकल जाएगा। वापस जी ले लिया जाएगा, ठीक है ना? जी तो एक तो ये है कि ऐसा परिवार जिसके पास ना शिक्षा है ना हुनर है, उसकी क्रय शक्ति 2 लाख रुपए प्रति माह प्रति परिवार कर दी जाएगी, वो भी 2029 तक। अरे एकदम अच्छी बात। जी तो अब आप बाकी लोगों को देखिए, उनकी उनकी आय कितनी होगी, जिसमें हमने कहा है कि जी शासकीय सेवकों की आय जो है वो भी दुगनी हो जाएगी, और उन्हें जी वेतन महीने में एक बार नहीं मिलेगा, वो जो काम करेंगे उसका रेवेन्यू स्ट्रीम उनको तत्काल मिलेगा। जी जी मैंने आपका वीडियो आपका देखा आज देखा, और उसमें आपने जो हमें भेजा था उसमें मैंने सब्सक्राइब भी किया है और लाइक भी किया है सर, आप देख सकते हैं। अभी देखिए इतने से काम नहीं चलेगा, जी अभी जी जो काम चलेगा कि आपको तय करना है कि डरे सहमे सदस्य हैं तो सदस्य की भूमिका में जुड़िए, और उसमें जी करना क्या है, अपने ही परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी, अपने आसपास के युवा साथी, अपने आसपास के वरिष्ठ नागरिक और ऐसे समाज सेवी संगठन जो बरसों से जुड़े हुए हैं, उनको जी जोड़कर 90 लोगों को जोड़ने का संकल्प पूरा करना है, जी ठीक है? तो जी आप ये छोटा सा संकल्प 9 दिन का पूरा कर पाएंगे, या हम तो कहेंगे कि 1 दिन में ही इसे पूरा किया जाए, कौन सा बड़ा काम है 90 लोगों को जोड़ना? अरे कोई जरूर सर, एक लिंक आप ऐसा भेजें कि जिससे जिस लिंक को हम अपने सारे ग्रुपों में शेयर कर सकें नहीं, ग्रुप और में शेयर सारे। कर ग्रुप में शेयर करने से काम नहीं चलेगा, उसे आपको व्यक्तिगत रूप से बात करना पड़ेगा, हम करेंगे सर, हम और करेंगे। एक एक व्यक्ति को जोड़ना है, और फिर मुझे भेजना है कि देखिए साहब ये जुड़ गया, इसका स्क्रीनशॉट है ये, और उसको भी शपथकृत करना है, संकल्पित करना है, तभी हमारा काम बनेगा, क्योंकि ओके 9 दिन का व्रत है, ये इतना आसान मतलब हल्के से लेने के लायक नहीं है, ठीक जी है ना? तो जी बहुत छोटी बात है, और उसी जी का जो दूसरा शपथ है वो कह रहा है कि मैं भारत माता की शपथ लेता हूं कि मैं क्या करूंगा, मैं जो जी है क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करूंगा और जी प्रतिदिन एक वीडियो देखकर अपनी हताशा निराशा बेबसी को दूर करूंगा। जी 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 वही 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 मेरी सोच है कि आप एक ऐसा कुछ हमें सेंड करें, क्योंकि सर मेरा जो मोबाइल है ना, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, पर क्या है हमारे संबंध बड़े अच्छे हैं आपके आशीर्वाद से, तो जी हम इतना कर इतना इतना कर सकता हूँ। मैं आपको SMS से भेज देता हूँ, और आप हाँ अपने जो संपर्क वाले हैं उनकी एक सूची बना के मेरे पास भेज दीजिए। सर, लेकिन हमारे संपर्क वाले जो हैं वो टोटल 12 लाख लोग हैं। आप 12 लाख में पहले चंद्रगुप्त को खोज दीजिए जो ज्यादा एनर्जी से काम करेंगे, और 12 लाख लोगों को ही जोड़ दीजिए, क्या दिक्कत है? सर हम एक मैसेज भेजते हैं तो एक एक सेकंड के अंदर उसे 12 लाख लोगों के पास पहुंचने की क्षमता रखती नहीं, है लेकिन ऐसा एक संगठन। वो 12 लाख लोग जो हैं जी वो दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं, उन्हें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अच्छा भारत नहीं चाहिए, वो उनमें से अधिकांश दल गुलाम और अंधभक्त भी हैं। जी 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 ये बात आप मेरी, आई डोंट नो कहाँ तक आप समझ पा रहे हैं, सोच रहे नहीं हैं कि नहीं नहीं समझ नहीं रहे नहीं हो। सर, मैं समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि हर कोई व्यक्ति आपके या हमारी सोच जैसा नहीं है। नहीं उसकी प्रॉब्लम है नहीं, आपको कुछ करना ही नहीं है, डरे सहमे हुए हैं, बस जुड़ जाइए और शपथ के तहत 90 लोगों को जोड़िए, और उनको जो है ना शपथकृत करिए और काम बढ़ने दीजिए, और बस इसके बस अलावा कुछ मेरा नहीं करना है। जी मेरी ये प्रार्थना है आपसे कि कुछ ऐसा एक लिंक हमें आप भेजें जी कि जिससे हम अपने सारे ग्रुपों में भेज सकें और सारे लोग उससे जुड़ जाएं, बस मेरा नहीं नहीं यही नहीं प्रार्थना उन है। ये ऐसे लोग नहीं जुड़ेंगे, उनसे आपको बात करना पड़ेगी, जो वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं उनकी लिंक शेयर करना पड़ेगी, और इसके बाद जो है
उनको फॉलो अप करना पड़ेगा कि वो भी अपनी शपथ को पूरा करें। यदि जी आपने इतना कर दिया तो मैं आपको गारंटी देता हूं कि 10वें दिन जो है ना आपको परिवर्तित भारत के हालात निर्मित हो जाएंगे। जी जी दसवें दिन जी जी दसवें दिन। और सर एक और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, ध्यान से सुनिए मुझे, जी मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि जो है अभी 2023 में मध्य प्रदेश जी के जो है, मध्य प्रदेश के कितने लोग आपसे जुड़े हुए हैं? मध्य प्रदेश के करीबन 3,500 के करीबन लोग हमसे जुड़े तो हुए हैं। उन मैं आपका पूरा लिंक भेज सकता अभी उनको प्राथमिक, हाँ उनके डिटेल मुझे भेजिए, और जी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ को पहले प्राथमिकता दे जी दीजिए। जी 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 यदि राजस्थान में आप, हमारा बहुत बड़ा ग्रुप है एज ए रुद्र सेना संगठन का। क्या आप पूरी रुद्र सेना को अपराध मुक्त भारत मिशन की सेना बना सकते हो? जी 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 इसमें बना कोई दीजिए, दोराय मैं नहीं है बना दीजिए, मैं आपको परिवर्तित भारत दे दूंगा जहां सर, कोई कोई भी, कोई दोराय नहीं सर, कोई दोराय नहीं है, और वो भी 1 घंटे के अंदर। चलिए तो फिर बात को विराम करते हैं, 1 घंटे बाद बात करते सर हैं। आप हमारे बड़े भाई हैं, सदैव रहेंगे। और एक विनम्र अनुरोध वो था, निवेदन था, बोलिए। 31 तारीख को अश्लीलता मुक्त भारत अभियान से हम जुड़े हुए हैं, जी तो उसका प्रदर्शन है जंतर मंतर दिल्ली पे। आप क्यों प्रदर्शन करना चाहते हैं? मेरी ये इच्छा है कि ये जो देखिए मैं सोशल आपको मीडिया बताऊं, देखिए ये बताऊं, सर सर ये तो सर सर बिके हुए प्लीज। लोग हैं जो अश्लीलता कर रहे हैं, उनके ऊपर एक्शन लेने इनकी औकात नहीं है। नहीं 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 जो एक जो मिनट हमारे एक मिनट एक मिनट जो बृजभूषण जैसे व्यक्तियों पर एक्शन लेने में अपने आप को कमजोर समझते हैं, ऐसे निर्बल लोगों को क्यों जो है ना अपन फालतू में अपने आप उनके सामने हाथ जोड़े हैं अपन? आप सिर्फ जो है ना अपराध मुक्त भारत को जो है ना बड़ा सब जगह पहुंचा दीजिए, 2024 में जो है ना आपकी ये सभी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, मैं गारंटी लेता हूं। जी जी मैथिली जी शरण गुप्त का आश्वासन है ये, जी दादा जी यदि उसे आश्वासन न कह के मैथिली शरण गुप्त की भीष्म प्रतिज्ञा कहेंगे तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। बोलिए आप तैयार हैं? नहीं, सर आप ये क्या अखिलता मुक्त भारत अभियान में क्या है नहीं, सोशल आप मीडिया कहेंगे पे तो जो मैं पहुंच नवीनता? जाऊंगा, लेकिन वो फालतू का काम है। ये निर्बल बेकार लोगों के सामने जाके क्यों प्रदर्शन करना जिनकी कोई औकात नहीं है, जो बृजभूषण जैसे घटिया व्यक्तियों के विरुद्ध भी कार्रवाई करने में जो है ना अक्षम है, ऐसे अक्षम लोगों के सामने क्यों हाथ जोड़ना? मेरा तो यही कहना है। सर ऐसे ही महान दिग्गजों के हमारे पास में डॉक्यूमेंट्स हैं, प्रूफ है कि ये दिग्गज जो महान महान राजनेता हैं जो आज हिंदुस्तान के सबसे बड़े पोस्ट पर बैठे हैं, ये कितने बड़े फ्रॉड हैं, ये कैसे इस पोस्ट पर पहुंचे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास में हैं। तो हमारी इच्छा है कि ये अपराध मुक्त भारत मिशन जो आपका है वो सक्सेस हो, और क्या ऐसा आप कर सकते हो सकते देखिए, हो? आप जो है इस बात को दिमाग से निकाल दीजिए, बस केवल आपको तो दो ही काम करना है। सदस्य डरे हुए हैं तो सदस्य की भूमिका निभा दीजिए, और बाकी लोगों को जोड़ के ये सुनिश्चित कर लीजिए कि वो भी अपनी भूमिका निभाएं। मैं 10 दिन में चमत्कार कर दूंगा, राइट? तो आप हमें सिर्फ एक ऐसा लिंक भेज दीजिए कि जिस लिंक को हम सबके सामने शेयर करें और वो आपसे जुड़ता आप, जाए आप और एक हम काम उससे बात आप करते एक जाए। काम करिए, जिन ग्रुपों से आप जुड़े हुए हैं यदि आप स्वयं एडमिन हैं तो आप मुझे जोड़ के एडमिन बना दीजिए, राइट? और यदि आप एडमिन नहीं हैं तो एडमिन से फोन करके रिक्वेस्ट करिए कि वो मुझे जोड़कर एडमिन का जो है ना बना दें, राइट? ओके ओके सर, ओके सर, एडमिन ओके। बनाने से फायदा क्या होगा वो मैं आपको समझा दूं। जैसे जी ही आप मुझे एडमिन बनाएंगे तो मैं उन्हें अपनी कम्युनिटी में जोड़ दूंगा, राइट? जी जी तो जी फिर जी मुझे बिना प्रयास के अपनी फीड आप तक पहुंचा पाएंगे, हम अपने संदेश पहुंचा पाएंगे, तो जी जी वो जो ऊर्जा है वो एक एक बटन से पहुंच जाएगी, बस जी जी इतना जी ही कारण है। जी 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 तुरंत तुरंत तो इस वार्तालाप को जो है अब विराम देते हैं, और ये कल तक जो है यूट्यूब चैनल पर पब्लिश भी हो जाएगी। यदि आपने क्राइम फ्री भारत यूट्यूब चैनल नहीं अभी तक सब्सक्राइब किया है तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि यूट्यूब पर जाइए और अरे क्राइम सर, फ्री भारत। आप देखिए, आप सिर्फ देखिए कि मैंने सब्सक्राइब किया है कि नहीं, और मैं नहीं, लाइक नहीं, करता हूँ आपके हर वीडियो को। बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर, बस आप इसको दावानल की तरह हर जगह भेज दीजिए, और चाहे जो गरीब से गरीब व्यक्ति हो उससे हम कुछ सहयोग मांग रहे हैं। अब चाहे वो 10 रुपए दे, लेकिन अब उसे आर्थिक सहयोग देना है, क्योंकि वो आर्थिक सहयोग जो है उसकी भागीदारी सुनिश्चित कर रहा है, उसे लगना चाहिए कि वो भागीदार है, उसका भी हिस्सा है, राइट? उसे दूसरा जो है वो चाहे
झोपड़ी में ही क्यों ना रह रहा हो, यदि उसके बरामदे में जगह है तो मुझे उससे दूसरा आश्वासन चाहिए कि साहब आपके वॉलंटियर प्रचार के लिए आएंगे तो मैं अपने बरामदे में सुला दूंगा। मुझे उससे तीसरा आश्वासन चाहिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो, चाहे वो खुद जो है ना सूखी रोटी खा रहा हो, वो हमारे वॉलंटियर को भी सूखी रोटी खिला दे। चौथा हमें चाहिए कि यदि उसके पास और कुछ नहीं है तो उसके जो अपने दो पैर हैं वो भी हमारे वॉलंटियर के साथ जाएं और उसको संगोष्ठी करने में मदद करें। नंबर वन, यदि साइकिल है, मोटरसाइकिल है, चार पहिए का गाड़ी है या ट्रैक्टर ट्रॉली है, तो जो कुछ भी है वो भी जो है ना हमारा वॉलंटियर जब वहां पहुंचे तो उसके साथ वो चले, जिससे कि ये संदेश जो है ना जन जन तक पहुंचा जा सके और हमारे इसमें 5 पैसे भी खर्च ना हो। क्योंकि देखिए, आप इन करोड़ों रुपए खर्च करने वालों से तो नहीं लड़ सकते हैं, लेकिन ये जो है बिना खर्च की स्कीम से भी नहीं लड़ सकते हैं, ये सब धराशायी हो जाएंगे। मैं आपको जो है अशोक कुमार उपाध्याय जी आश्वासन देता हूँ, मैं आपको ये आश्वासन देता हूँ कि यदि आप लोगों ने अपनी शपथ पूरी की जो बहुत छोटी सी है, तो मैं 10वें दिन महापरिवर्तन के हालात पैदा कर दूंगा। जी जी। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ, ऐसे जो है ना लाट साहब, ऐसे राजनेता जिनका ये मानना है कि चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना, मंत्री और मुख्यमंत्री बनना उनकी बापौती है और उनके बाद उनके बच्चों की बापौती है, मैं अशोक कुमार उपाध्याय जी आपको आश्वस्त करता हूँ कि ऐसे बापौती मानने वाले राजनेता मतदान के पहले, मतदान के बाद नहीं, मतदान के पहले अपनी हार स्वीकार करने के लिए बेबस हो जाएंगे। उनके करोड़ों रुपए ऐसे ही धरे रह जाएंगे। जी जी। क्या तैयार हैं आप? एकदम एकदम रेडी सर, आई एम रेडी सर। चलिए तो फिर अभी से आपकी घंटी चालू और मैं आपको अभी जो है वो लिंक भेज रहा हूँ, आप उसके लोगों को जोड़िए और जो है आप सभी ग्रुप में मुझे जोड़ दीजिए, जिससे कि हमारा सीधा जो है ना संवाद उन तक पहुंचेगा, राइट? जी जी। और सर, वो जी हमारे निर्देश के अनुरूप काम भी कर पाएंगे। जी जी जी। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी जी सर। सर एक मिनट, और दीपावली के 2 दिन के बाद जी हमारा हमारे निज स्थान पे आगमन हमारा हो रहा है जी, एज ए मिर्जापुर में, हम मिर्जापुर के हैं जी, तो हम आशा करते हैं कि एक आपका संगठन का एक ऑफिस हम आपके शुभ हाथों से उद्घाटन करें और जिसमें 1000-2000 आदमी वहाँ पे उपस्थित रहे और एज ए चैनल वाले उपस्थित रहे, तो क्या यह संभव है? आप आ सकते हैं सर, प्लीज सर। 200% आएंगे सर। 200% अरे सर प्लीज सर, मैं अपने आप को बड़ा धन समझूंगा, तो मैं आपको एक, लेकिन वहाँ पे जो लोग रहेंगे, वहाँ पर आपका एक आदमी रहेगा जिम्मेवार व्यक्ति जो लोगों के आवेदन प्राप्त करेगा और जो मेरे दिशा निर्देश के अनुसार संबंधित अधिकारियों को पहुंचाएगा। यदि संबंधित अधिकारी अपना निर्णय सही समय पर नहीं लेंगे तो उसके अंजाम भुगतना उनके लिए भारी पड़ जाएगा। बस बस सर, प्लीज सर, प्लीज प्लीज, आप अपने खुद के ऑफिस के उद्घाटन के लिए, मेरी इच्छा है कि आप वहाँ उपस्थित हो। मैं और... जरूर पहुंचूंगा, जरूर पहुंचूंगा। जय हिंद। मैं अब आपसे आपसे इजाजत ले लूं, बातचीत वार्तालाप को विराम दूं। प्रणाम सर, प्रणाम सर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।